राम राम जी। और क्या मौज आ रही है, आप ये देखिए वैसी बहुत कट रहा है। न्यूज का सेटअप लगा लिया बेटा, पूरा फुल एकदम टॉप ऑन टॉप। अब चालू करते हैं न्यूज। हाँ, तो स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज चैनल में। यहाँ पर मिलेगी आपको जापान से रिलेटेड बहुत सारी खबरें। पहली खबर लेते सीधा टोक्यो से, जो कि है कोरोना वायरस के ऊपर। जापान में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा कैड़ी तरह से फैले जा रहे हैं और टोक्यो में तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। तो इस मामले में योशीहिदे सुगा जी, जो कि है जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्लेज लिए, प्लेज बोले तो प्रतिज्ञा कि हम जापान में कोरोना वायरस के केसेज को कंट्रोल करके दिखाएंगे और अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो पूरे जापान में केस जो है वो है 2,447 केस आए, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा केस है एक दिन के। तो इस मामले में उन्होंने लगा दिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी टोक्यो में और टोक्यो के आसपास की तीन जगहों में, कानागावा, चीबा और कौन से में लगाई, हाँ, साइतामा प्रीफेक्चर में इमरजेंसी लगा दी है। तो इमरजेंसी में क्या रहता है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है लोगों से कम बाहर निकले, और जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करिए कि आप जो है जो रात को 9, 10, 11, 12 बजे जो भी आपकी टाइमिंग है उसको आप काट के 7 बजे या 8 बजे तक बंद कर दो अपनी दुकान, क्योंकि और शराब का जो सेवन होता है, जो कि ड्रिंक्स सर्व होती है बार में, वो सिर्फ होंगी 7 बजे तक, और 8 बजे रेस्टोरेंट बार सारे बंद, क्योंकि पब्लिक पी खा के फिर लेट तक रखती है और जो रात की जो जगह रहती है ना उनको कंट्रोल करना भारी हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कट कर दो, इसका जो नुकसान होगा उसके चक्कर में हम आपको 40,000 येन, जो कि होते हैं 29,000 से 30,000 रुपये के आसपास, से लेकर 60,000 येन, जो कि होते हैं 42,000 से 43,000 रुपये, तो उतना अमाउंट हम आपको डेली का बेसिस का देंगे अगर आप सरकार को सपोर्ट करेंगे तो। और अगर आप सरकार को सपोर्ट नहीं करते और अपने मन से अपना बेहापने से चलाए जाते दुकानें अपनी रात रात भर कुछ भी, तो और जो लोग इस मामले में सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार ने बोल दिया कि उन्हें मिलेगा नेम ऑफ शेम, जो कि है अगर तुम बात नहीं मानोगे और फिर बाद में तुम सरकार के दरवाजे पे जाके गुहार करते हो या फिर रिक्वेस्ट करते हो कि जी हमारा तो धंधा ठप हो गया, हम टैक्स कम दे रहे हैं और हमारी कोई इनकम नहीं हुई, प्लीज़ हमारी मदद कर दो, तो सरकार बोलेगी जब हमने पहले बोली थी तब तक तुम मान लिया, तब तक रात भर बेहाव की तरह कह रहे हैं चलन दारू हम आप देख लेंगे, अब बस करवा ली बेइज्जती। और दूसरी खबर है जापान के नॉर्थ ईस्ट वाले साइड के प्रीफेक्चर से, येरा, इसका नाम है अकिता प्रीफेक्चर। यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी और भारी बर्फ के गिरने के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। जापान में जो कि छत होती है, छत पे बर्फ जब गिरती है तो बहुत ज़्यादा ढेरों ढेरों में छत पे बर्फ इकट्ठी हो जाती है, तो उसको उतारने के लिए लोग अपना छत पे साफ सफाई करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि तो जिन लोगों का देहांत हुआ उनमें से एक की उम्र थी 47, 47 साल, एक की उम्र थी 72 साल, एक की उम्र थी 74 साल और एक की उम्र थी 81 साल। तो ये छत पे अपना चढ़ के बर्फ बर्फ उतार रहे थे या फिर नीचे से खड़े होकर डंडी वंडी से जैसे भी उतार रहे थे, बर्फ हटा रहे थे, तो बर्फ का बहुत बड़ा गुच्छा का गुच्छा, ढेर का ढेर इनके आगे सर पे गिर गया और बर्फ में दब के इन लोगों की मौत हो गई। फिर सरकार ने और जो आसपास की रेस्क्यू जो टीम होती है उन्होंने इनकी लाशें निकाली, हॉस्पिटल पहुंचाई और वहां पे इनको डेड घोषित कर दिया गया था। अब सरकार ने मुहिम चालू करी है कि जहां भी बहुत ज्यादा आसपास बर्फ जमी पड़ी है वहां पर अब सर्च एंड रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड जाके वो बर्फ साफ करेगी ताकि लोगों को ये तकलीफ दोबारा ना उठानी पड़े। अगली खबर है टोक्यो से, वहां पर 43 साल के एक इंसान ताकाशी ओनो जिसका नाम है उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उसने करा था एक फ्रॉड। क्या था, जो आइसक्रीम होती है ना, एक ये गारी गारी, जापान में गारी गारी कुन करके ये आइसक्रीम है, पर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता नहीं, पर पॉपुलर है ज्यादा। तो इसमें क्या था, आइसक्रीम की जो स्टिक होती है पॉप्सिकल स्टिक, आइसक्रीम की डंडी, एक मिनट, मैं वो आइसक्रीम खाता नहीं हूं, मैं तो आज भी चौकोबार और कसाटा वाला ही हूं। ओ बढ़िया गजब, ये आइसक्रीम की डंडी होती है इसको बोलते हैं पॉप्सिकल स्टिक। हाँ, दांत जम गए। आइसक्रीम वाली जो कंपनी थी उन्होंने कोई ऑफर निकाला था कि जब आप पूरी आइसक्रीम खा लोगे जो स्टिक बचेगी ना इस पे एक स्पेशल कोड होगा, वो कोड अगर आप कंपनी को आप भेजते तो आपको एक स्पेशल पोकीमोन का जो कार्ड होगा ना, पोकीमोन का कार्ड वो मिलेगा। तो भाई साहब ने क्या करा, ये 25 ऐसी नकली स्टिक बनाई और वो कंपनी को भेज दी कि हमें 25 पोकीमोन भेज दो अब। तो कंपनी ने तो पहचान लिया और तो उन्होंने पुलिस को फोन करा कि ऐसे 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 नकली स्टिक भेज रहे और हमसे पोकेमोन कार्ड ऐठने के चक्कर में था। तो उसने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस ने कर लिया इसको अरेस्ट। अब इसको डाल दिया जेल में। जेल में अपराधी होते, कैदी होते हैं, सबकी कोई मजबूरी होती है, किसी को दिमागी संतुलन बिगड़ा होता है, कोई मर्डर कर देता तब जेल में जाता है। इससे पूछेंगे भाई साहब आपकी क्या मजबूरी थी, अरे भाई पोकेमोन से जो प्यार था ना मैंने, अरे भाई पोकेमोन बहुत ज्यादा पसंद था, मैं उसके लिए जेल भी जा सकता हूं और मैं आ गया। तो इस फ्रॉड के चक्कर में ताकाशी ओनो भाई साहब को जेल हो गई, अरेस्ट कर लिया गया है। अब क्राइम छोटा हो बड़ा हो क्या कर सकते हैं भाई, जापान में रूल तो स्ट्रिक्ट है, क्राइम इज क्राइम। जो अगला सेक्शन है हमारा वो है जापान की क्राइम न्यूज़ के ऊपर, क्रिमिनल न्यूज़ के ऊपर, एकदम कतई क्राइम पेट्रोल टाइप। अगर जिनका दिल कमजोर है, जो क्राइम की खबरें नहीं देखना चाहते, मर्डर वर्डर एकदम फुल ऑन क्राइम की खबरें होंगी, तो प्लीज़ ये चैनल को अभी के बंद कर दो, मत देखना क्योंकि आपको तकलीफ होगी।
अगली खबर है नारा से, जहां पर मैं रहता हूं। यहां पर पास में एक काशीहारा नाम से जगह है, यहां पर एक 31 साल का आदमी जिसका नाम था मिजुतानी, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। उसी गर्लफ्रेंड की एक 10 महीने की छोटी सी बच्ची थी। तो उसने क्या करा, जब उसकी गर्लफ्रेंड बाहर गई थी कोई सामान वामान खरीदने, तब उसने उसकी बच्ची को पीटा और उसकी बच्ची के फ्रैक्चर हो गया। तो जब वो वापस आए उसने देखा कि बच्ची के तो चोट वोट लगी हुई है, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया तभी के तभी। उस आदमी से पुलिस ने पूछताछ करी कि तैने बच्ची पे क्यों हाथ उठाया, बच्ची रोए जा रही थी तो मैंने इसको मारा पीटा, और उसके बाद ये बच्ची मुझे पसंद भी नहीं करती तो मैं उससे वैसे ही खुंदा खाता तो मैंने वैसे इसको मार पीट दिया। तो ये सब बयान सुन के पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया, पुलिस जेल में उसको भटाभट अब उसका इलाज कर रही है ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। अगली खबर है जापान के फुकुई प्रीफेक्चर से, जहां पर सुरुगा करके एक जगह है, वहां पर एक 72 साल की महिला के अम्मा जी हो गई थी। वो 72 साल की अम्मा जी ने अपने पति को जिनकी उम्र थी 70 साल, अपने सास को जिनकी उम्र थी 93 साल और अपने ससुर को जिनकी उम्र थी 95, उनको गला घोट के मार दिया और उसके बाद खुद भी स्लीपिंग पिल्स खा ली। उनका सुसाइड करने का खुद का भी प्लान था पर उनकी जान बच गई। जब उनकी बेटी घर में आई थी उसने देखा तो लाशें पड़ी हुई हैं, तो उसने 110 पे फोन करा, 110 नंबर यहाँ पर इमरजेंसी का नंबर होता है, उसने कॉल करा तो पुलिस घर पर आई, सारी जांच पड़ताल करी, आंटी थी तो बच गई। उनके वकील ने उनके बिहाफ पे बयान दिया है कि भैया वो 3 लोगों की सेवा इकली कर रही थी, अब उसने हाथ जोड़ लिए थे कि मेरे बस की और नहीं है और पर मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती क्योंकि फिर समाज मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए मैंने इन्हें भी मार दिया और मैं खुद ही मरने वाली थी पर मैं बच गई। अगली खबर है टोक्यो के सेतागाया नाम की जगह से, वहाँ पर रोड पे एक माँ और उनका 9 साल का बच्चा और एक ट्रॉली पे उनका 2 साल का छोटा बच्चा रोड क्रॉस कर रहे थे, जहाँ पर एक गाड़ी बड़ी तेजी से आई और उस 9 साल के बच्चे को उड़ा के चली गई। उस 9 साल के बच्चे की वहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो गई। उस ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और जब उस ड्राइवर से पूछा गया कि भाई तेरे को क्या आग लग रही थी इतनी उड़ा जा रहा, तो उसने कहा मैं तो रोड क्रॉस कर रहा था, मुझे तो कोई दिखा ही नहीं, और उसने गाड़ी से उड़ा दिया। इस हादसे में उस माँ को और उस छोटे बच्चे को तो चोट नहीं आई पर उस माँ का जो छोटा 9 साल का बच्चा था वो दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा। तो ये आपसे भी गुजारिश है, कभी गाड़ी चलाए तो आसपास ध्यान से चलाए करें, एकदम फलने खा मत हो जाए करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से किसी और के घर का परिवार का एक इंसान परमानेंटली जा सकता है। अगली खबर है योकोहामा से, जहां पर एक 44 साल का इंसान जिसका नाम था सेइची सातो, उसने अपने 73 साल के फादर की मार के हत्या कर दी और अब उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया है। उससे जब पूछताछ हुई तो उसने बताया एक दिन पहले वो और उसके फादर साहब किसी बात पे बात कर रहे थे और उनकी बात जो थी वो बहस में बदल गई और वो बहस से उनके बीच में हाथापाई हो गई। उसके बाद फिर वो जब वो अपने कमरे में सोने चला गया, उसके बाद सुबह उठने देखा तो उसके फादर मूव नहीं कर रहे थे, उसके फादर की डेथ हो गई थी क्योंकि उनको भारी चोटें लग चुकी थी उस हाथापाई से। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है और हमारी यही दुआ है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। अगली खबर भी कुछ ऐसी सी है जो कि है नागोया शहर से, वहाँ पर एक 52 साल के आदमी ने जिसका नाम था ताकेशी यामागुची अपनी 76 साल की माँ को मारकर हत्या कर दी। उन आंटी जी की एक बेटी थी जो कि अपनी माँ से कांटेक्ट करना चाह रही थी, एक हफ्ते से बात नहीं हो पा रही थी, अपने भाई को फोन कर रही थी तो उसका भाई भी फोन नहीं उठा रहा था। वो डायरेक्ट अपने घर पे आई, उन्होंने देखा कि उनकी मदर की लाश पड़ी हुई है नीचे और उन्होंने पूछा अपने भाई से कि ये क्या होगा कैसे होगा, घबरा गई थी वो। तो उसने सिर्फ ये बोला मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा ठीक है, उसने 110 नंबर पर तुरंत इमरजेंसी जो नंबर होता है फोन करा, पुलिस वहाँ पर आई, उसको आदमी को अरेस्ट करा, उनकी लाश का पोस्टमार्टम वो पता चला कि उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट हुई थी और उनके शरीर पर चाकू लगने के भी निशान थे। और जब उससे पुलिस ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करा तो वो कुछ बोल नहीं रहा। खैर हमारी यही दुआ है कि ऐसा बेटा किसी को ना मिले और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत 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 थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लेना भाई, सही में कोई आफत नहीं आ रही। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।